नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं वार्डरोब जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशंस क्या होनी चाहिए। स्टैंडर्ड डायमेंशंस का मतलब उसकी पल्ले की चौड़ाई कितनी रहनी चाहिए, हाइट कितनी रहनी चाहिए, उसके बाद जो ये हैंगर स्पेस है इसके स्टैंडर्ड डायमेंशंस अलग अलग कपड़ों के हिसाब से क्या होते हैं, जो ड्रॉर्स हम अंदर देंगे उसकी ड्रॉर्स की डीप कितनी रहनी चाहिए, चौड़ाई कैसे रहनी चाहिए, शेल्फ अगर आपने अंदर लगाई है तो शेल्फ की लंबाई चौड़ाई कैसे रहनी चाहिए, शूरेक आप बना रहे हैं तो शूरेक की क्या हाइट रहनी चाहिए, क्या डायमेंशंस रहनी चाहिए, इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के आप आपके वार्डरोब की यूटिलिटी बहुत अच्छी कर सकते हैं और उसका यूज़ भी आप बढ़ा सकते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वार्डरोब के आउटर डायमेंशंस की। सबसे पहले हिंज्ड वार्डरोब। हिंज्ड वार्डरोब का मतलब क्या हुआ, जिसका पल्ला कब्जों के द्वारा इस तरह से यूं खुलता है। तो इस तरह की वार्डरोब की जो स्टैंडर्ड हाइट है वो मानी गई है लगभग 7 फीट। 6 फीट की वार्डरोब भी बनती है पर 7 फीट एक स्टैंडर्ड हाइट मान के हम चलते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो मिनिमम 2 फीट भी रह सकती है, 3 फीट भी रह सकती है, अप टू 10 फीट। अभी डिपेंड किस पे करेगा कि आपकी जो दीवार है जिस वार्डरोब पे आप बना रहे हैं वो दीवार कितनी लंबी है, उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, ये सारी चीजें वार्डरोब की टोटल विड्थ पे डिपेंड करती है। हाइट को हम 7 फीट तो रखना ही रखना है। अगर हम उसको सीलिंग हाइट तक ले जाना चाहते हैं तो इस तरह से हम ओवरलॉफ्ट्स भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। जो ओवरलॉफ्ट्स लगते हैं वो 2.5 फीट हाइट, 3 फीट हाइट, डिपेंड करता है किस साइज की हमारे पास स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग ओवरलॉफ्ट्स हमारे बन जाते हैं। तो मित्रों, ये हमने इसकी लंबाई एंड चौड़ाई देखी और जो सबसे काम की चीज है वो है इसकी गहराई। जो ये गहराई है ये लगभग 21 इंची से 24 इंची गहरी तो होनी ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो हम हैंगर पे कपड़े हैंग कर रहे हैं वो हमारे शटर से अड़के बार बार उसकी प्रेस खराब होगी और प्रॉपर वो हैंग भी नहीं हो पाएंगे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए जो ये पल्ला है इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम चौड़ाई 24 इंच रहनी चाहिए। अगर 24 इंच से चौड़ा पल्ला है तो वो क्या होगा, जो कब्जे जिसको ये होल्ड करके रखे हैं वो कब्जे इसका लोड नहीं ले पाएंगे, बेंड खा जाएगा, लटक जाएगा पल्ला। इसलिए हम वैसे तो 18 इंची 16 इंची के पल्ले सफिशिएंट हैं पर यदि जरूरत पड़ी तो हम 24 इंची का भी शटर बना सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें शटर नहीं बनाना। अब यही आउटर डायमेंशन अगर हम स्लाइडिंग वार्डरोब के बारे में देखें तो स्लाइडिंग वार्डरोब की मेरा रिकमेंडेशन है कि आप चौड़ाई लगभग 6 से 7 फीट तो रखिएगा ही सही। उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने 6 फीट की वार्डरोब बनाई है, अब हम इसको 2 डोर स्लाइडिंग शटर लगाएंगे तो एक शटर की विड्थ लगभग 3 फीट निकल के आएगी। तो जैसे ही हमने एक स्लाइड करा शटर को तो हमें जो व्यूइंग स्पेस है वो 3 फीट का क्लियर स्पेस दिखेगा। इस 3 फीट के स्पेस में आप आराम से सामान भी हैंग कर सकते हैं, ड्रॉर्स भी खोल सकते हैं, सामान को प्रॉपर अपने क्लॉथ्स को प्रॉपर जमा भी सकते हैं। इससे छोटी विड्थ की वार्डरोब लेने में क्या होगा कि जो हमें व्यूइंग स्पेस जैसे जैसे हम छोटा करते जाएंगे विड्थ को वैसे वैसे व्यूइंग स्पेस छोटा होता चला जाएगा, तो फिर वो सामान को मैनेज करने में दिक्कत आएगी। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप 6 से 7 फीट की चौड़ाई तो वार्डरोब के रखेंगे और उसके अंदर 2 डोर स्लाइडिंग उसका हम स्लाइडिंग सिस्टम बनाएंगे। अब हाइट, जैसा कि हम पहले वाली वार्डरोब में देखा था, हाइट के डायमेंशन वही रहेंगे। डेप्थ जो इसकी गहराई है उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। जो स्लाइडिंग वार्डरोब की गहराई है नॉर्मल जो हिंज्ड वार्डरोब है उससे लगभग 3 इंची ज्यादा रखनी चाहिए। मान लीजिए वो हम 24 इंची रख रहे थे तो उसको हमें 27-28 इंची रखना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, मेटल के ट्रैक लगते हैं, उसके ऊपर हमारे स्लाइडिंग शटर्स चलते हैं, वो स्लाइडिंग शटर्स जो चलने का सिस्टम है वो लगभग 3 से 4 इंची का स्पेस वो कवर करता है। तो जो एक्चुअल वर्किंग स्पेस है वो हमारे पास वही 23-24 इंच का बचेगा, पर हमें जो डायमेंशंस आउटर डायमेंशंस लेनी है वो लगभग हमें 28 इंची तो लेनी ही चाहिए। इससे छोटा हम लेंगे तो क्या होगा, जो अंदर कपड़े हैं वो स्लाइडिंग शटर पे अड़ेंगे, स्लाइडिंग शटर आपस में कंजेस्टेड हो जाएंगे, प्रॉपर स्लाइड नहीं हो पाएंगे। तो डेप्थ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब वार्डरोब को अगर हम अंदर से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होता है वार्डरोब का हैंगर स्पेस। इस हैंगर स्पेस को मुख्यतः 3 तरह के रेशोज में डिवाइडेड किया गया है, 3 तरह के भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लेते हैं फुली हैंगर स्पेस। फुली हैंगर स्पेस क्या होता है कि इसकी जो टोटल हाइट रहती है वो 72 इंचेस तक हाइट रहती है। अब इसमें हम टांगेंगे क्या, आजकल जैसे सर्दियों के लिए लॉन्ग सूट्स चलते हैं वो हम उसके अंदर टांग सकते हैं, लेडीज़ के गाउन्स चलते हैं वो हम टांग सकते हैं, कोई पार्टी वियर इस तरह की एथनिक ड्रेस है जिसको हम उसको हम फोल्ड करके नहीं टांग सकते, उसको हमें पूरा ही सीधा ही हैंग करना है तो उसके लिए हम इस तरह का स्पेस काम में ले सकते हैं।
तो ये भी आजकल ट्रेंडिंग स्पेस है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है वो थ्री फोर्थ हैंगर स्पेस। थ्री फोर्थ हैंगर स्पेस हम यहाँ पे दिखा भी सकते हैं आपको। इसकी जो इंटरनल हाइट रहती है वो लगभग 52 इंचेस टू 57 इंचेस रहती है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे सूट हैं वो टांग सकते हैं, जो हैवी साड़ी है जिनको हम ज़्यादा फोल्ड नहीं कर सकते वो साड़ीज हम टांग सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें या हमारी जैसे जेंट्स की पैंट्स हो गई है वो हम इसके अंदर टांग सकते हैं, जो हमारे पार्टी वेयर सूट्स हैं वो हम इसके अंदर टांग सकते हैं। तो ये थ्री फोर्थ स्पेस भी काफ़ी काम का स्पेस रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट और जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला स्पेस होता है वो होता है ये हाफ हैंगर स्पेस। इस हाफ हैंगर स्पेस की जनरली जो हम हाइट की बात करें वो 36 इंचेस से लेके 42 इंचेस तक रहती है। ये जो मेन जो मतलब हम कहें तो जेंट्स वार्डरोब है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग स्पेस है। इसके अंदर हमारे हम पैंट शर्ट आराम से फोल्ड करके टांग सकते हैं, लेडीज़ भी जो छोटी डेली यूज़ की साड़ीज़ है वो आराम से इसके अंदर टांग सकती है। तो सबसे ज़्यादा रनिंग स्पेस होगा हाफ हैंगिंग स्पेस जिसकी हाइट रहती है 36 इंच। हैंगर स्पेस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है, जो हम पाइप लगाने जा रहे हैं ये अपर से लगभग 2.5 इंच इसका स्पेस इसमें रहना चाहिए। आप देख रहे हैं पाइप के बीच में और अपर जो ये एरिया है रूफ है इसके बीच में लगभग 2.5 इंच का स्पेस है। इससे क्या होगा, इस तरह से हम हैंगर जब निकालेंगे तो ये हमको निकालने में और रखने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर स्पेस कम रहेगा तो ये कपड़ा हमें निकालने में और रखने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब कुछ हुआ हैंगर स्पेस के बारे में। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वार्डरोब के अंदर होती है वो होती है इसकी ड्रॉअर। आपने अलग अलग तरह की ड्रॉअर देखी होगी, जैसे टू ड्रॉअर है, एक फुली विड्थ ड्रॉअर भी आती है, कई तरह की ड्रॉअर्स आती है। अब ड्रॉअर्स की डायमेंशंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी डायमेंशंस कम से कम 6 इंची तो रहना ही चाहिए। अब मैं फ्रंट 6 इंची का बता रहा हूँ तो अंदर जो हमें ड्रॉअर का स्पेस मिलेगा, मान लीजिए कि ये 6 इंची है तो अंदर का स्पेस भी 6 इंची नहीं रहेगा। ड्रॉअर लगभग फ्रंट स्पेस से इनर स्पेस लगभग 1.5 इंची कम ही रहता है, तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ड्रॉअर बनाते समय हम इसकी जो चौड़ाई है हाइट है वो 6 इंची रख सकते हैं, 7 इंची रख सकते हैं, 8 इंची रख सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम 10-11 इंची। इससे ज़्यादा हाइट वाली ड्रॉअर रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि वो उसकी गहराई बहुत ज़्यादा हो जाएगी और सामान मैनेज करने में हमें दिक्कत आएगी। अब बात करें ड्रॉअर की चौड़ाई की, तो चौड़ाई डिपेंड करता है कि आपके पास जगह कितनी है। इसको हम जैसा ये दिख रही है आप 14 इंची भी रख सकते हैं, 16 इंची भी रख सकते हैं, 24 इंची तक की ड्रॉअर रिकमेंडेड है। इससे ज़्यादा बड़ी ड्रॉअर को मैनेज करने में दिक्कत आती है। तो हाइट मिनिमम हो गई 6 इंची, अप टू हाइट हो गई 10-11 इंची और चौड़ाई मिनिमम हो गई 14 इंची, अप टू हो गई 24 इंची। ये हमारी ड्रॉअर्स की स्टैंडर्ड डायमेंशन। ड्रॉअर के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्टोरेज एरिया हमारी वार्डरोब का होता है वो होती है ओपन शेल्व्स। ओपन शेल्व्स की डायमेंशंस भी अलग अलग कपड़ों के हिसाब से अलग अलग मानी गई है। एक कैटेगरी हम लेके चलेंगे, हमारी जींसेस हो गई, पैंट हो गई, लेडीज गारमेंट्स हो गए, सूट्स हो गए, ऐसे कपड़े जिनको हमें फोल्ड करके रखना है। अब इसके लिए जो हमारी शेल्फ है इसकी चौड़ाई लगभग लगभग 14 से 18 इंची रहनी चाहिए। 14 से 18 इंची सफिशिएंट चौड़ाई रहती है। और जो हाइट इस शेल्फ की लेनी है वो भी हमें 12 से लेके और 18 इंच तक हाइट रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा हाइट नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा चौड़ी और ज़्यादा हाइट वाली शेल्फ में क्या होगा कि कपड़े ज़्यादा रखने के कारण अगर हमें नीचे नीचे वाला कपड़ा निकालना है तो निकालने में दिक्कत आएगी, कपड़े बिखरते रहेंगे। तो प्रॉपरली चीज़ें मैनेज भी हो जाए और हमें स्टोरेज भी प्रॉपर मिल जाए, इसके लिए ये स्टैंडर्ड डायमेंशंस मानी गई है। अगर हमें शेल्फ के अंदर ब्लैंकेट्स रखने हैं और इस तरह की बड़ी चीज़ें रखनी है तो जो शेल्फ की विड्थ है वो 18 इंच से हम 24 इंची 24 इंची तक भी ले जा सकते हैं। यही बात हाइट की करें तो हाइट भी 18 इंच से लेके 24 इंची तक जा सकती है क्योंकि ब्लैंकेट मोटे होते हैं, लंबे उसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें शेल्फ की साइज भी मैनेज करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं शू रैक की। आजकल वार्डरोब के अटैच में शू रैक भी बनने लगी है। ये ड्रॉअर फॉर्म में हो सकती है जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रॉअर फॉर्म है, या फिर ये वार्डरोब के अंदर एक शेल्फ के रूप में भी हो सकती है। दोनों के लिए जो डायमेंशंस रहनी चाहिए वो जो उसकी डेप्थ रहनी चाहिए मिनिमम से मिनिमम 6 इंची तो रहनी ही चाहिए। 6 इंची से छोटी आप अगर ड्रॉअर बनाएंगे अंदर से तो वो उसके अंदर शूज अड़ेंगे। तो 6 इंची से लेके 8 इंची तक हमारे पास अंदर का क्लियर स्पेस रहना ही रहना चाहिए। यही चीज़ शेल्फ में भी लागू होती है। अगर हम ओपन शेल्फ बनाएंगे तब भी 6 से 8 इंची का जो मिनिमम स्पेस है वो रहना चाहिए। और आजकल लॉन्ग बूट्स भी चल रहे हैं, उसके लिए लगभग हमें 18 इंची से 24 इंची की हाइट देनी चाहिए। तो इस तरह से हमने
मुख्य मुख्य जो चीजें हैं, जैसे कि ड्रॉअर है, हैंगिंग स्पेस है, शेल्व्स है, शू रैक्स है, उसके एक स्टैंडर्ड डायमेंशंस के बारे में इस वीडियो में जाना। अब ये डायमेंशंस यूज करने वाले व्यक्ति के हिसाब से चेंजेस हो सकती है। जैसे कि हमने छोटे बच्चों की वार्डरोब बनानी है तो उसके हैंगर स्पेस भी चेंज हो जाएंगे, ड्रॉअर्स भी चेंज हो जाएगी और सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। हम अगर हमारी वार्डरोब के इंटरनल डायमेंशन को प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि लगभग हम 20% तक उसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ स्टोरेज कैपेसिटी तो बढ़ेगी ही सही, उसकी यूटिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि किधर क्या चीज़ लगानी है, ड्रॉ राइट साइड लगानी है, लेफ्ट साइड लगानी है, फाटक किधर खुलना है, शेल्फ पे हाइट क्या देनी है, ये सारी चीज़ें इंटरनल डायग्राम बनाते टाइम ध्यान में रखी जाती है। तो आपके बेडरूम में अगर वार्डरोब बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उसको प्रॉपरली डिजाइन के साथ बनाएं, उसकी यूटिलिटी बढ़ाएं, तो आप हमारी ऑनलाइन वार्डरोब डिजाइनिंग सर्विस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपको जो हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर है उस पर कॉल करना है या व्हाट्सअप करना है। इस तरह के वार्डरोब के बारे में, बेडरूम के बारे में और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें भेजते रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम।